नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान पुलिस के जो हैं रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे ज़िलों के रिजल्ट आ चुके हैं। उसी क्रम में चूरू ज़िले का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, चूरू ज़िले का फाइनल रिजल्ट आ गया है। आज सुबह ही हमने वीडियो डाली थी कि चूरू का रिजल्ट आज घोषित किया जा सकता है और चूरू का रिजल्ट आज घोषित कर दिया गया है। ज्वाइनिंग की डेट दे दी गई है तो आपको संपूर्ण डिटेल में बताएंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले, जो भी विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह इस तरह के रेड बटन कलर के बटन को प्रेस करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप उस जानकारी से रूबरू हो सकें। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इस रिजल्ट की PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं कि कार्यालय जिला अधीक्षक शुरू प्रेस नोट पुलिस मुख्यालय के विज्ञप्ति, जो विज्ञप्ति निकली थी 4/12/19 को और संशोधित विज्ञप्ति जो थी 18/19 को, उसके अनुसार जो एग्ज़ाम हुआ था और शारीरिक दक्षता मापदंड परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर अभ्यर्थियों का परिणाम राजस्थान पुलिस की वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है, अपलोड कर दिया गया है। परीक्षा परिणाम प्रकाशन में पूर्ण सावधानी बरती गई है, फिर भी इस कार्यालय की सूचना को अधिकृत माना जाए। ठीक है, अब आपको देखना है कि इसमें क्या लिखा है। किसमें लिखा है कि 20/4/2021 20 अप्रैल तक सबको 7 बजे तक रिजर्व पुलिस लाइन चूरू में उपस्थित होना है। जिन भी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है उन्हें 20/4 तक का टाइम दिया गया है। 20/4 को सारे डॉक्यूमेंट लेकर उनको वहाँ पर पहुँच जाना है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या रहा। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये लिस्ट है, इसमें लिखा है रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट चूरू, चूरू के लिए है। इसमें सुनील कुमार, पुखराज मीणा, संदीप कुमार आदि विद्यार्थी पास हुए हैं। इस लिस्ट में उनके नाम, फादर नेम, कैटेगरी, ठीक है, सब कैटेगरी, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ और सिलेक्शन लिस्ट दी गई है। इसमें कहीं भी आपके मार्क्स अभी शो नहीं किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं टोटल 48 लोगों की, टोटल 48 लोगों की सूची है। उपरोक्त चयन प्रोविजनल आधार पर किया गया, चयनित अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात अंतिम चयन माना जाएगा। यानी कि इनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, इनका मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। तो हो सकता है कि कुछ विद्यार्थी रह जाएंगे तो वेटिंग लिस्ट भी जारी हो सकती है, या फिर एक और लिस्ट जारी की जा सकती है जिनमें फिर से और कुछ विद्यार्थियों को बुलाया जा सकता है। ये देख सकते हैं आप, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए भी जो है वो लिस्ट आ गई है। कांस्टेबल ड्राइवर के टोटल 15 विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। अगर कोई और रिजल्ट आता है तो वो आपको आज ही अपडेट कर दिया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे पूरे सारे चैनल में सबसे पहले हम लोग ही खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।